हेलो फ्रेंड, स्वागत करते हैं आज के हमारे नए वीडियो में, जहां पर आज हमारे पास दो फिल्टर है, एक जीलोंग का फिल्टर है, एक सोगो का फिल्टर है। तो दोनों के बारे में हम कंपैरिजन करेंगे, कौन सा फिल्टर ज़्यादा अच्छा है, आप कौन सा यूज करते हैं, तो इसके बारे में आज आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो एक्वेरियम से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आपको बता दें कि आप बाहर से देखकर पता नहीं लगा सकते हैं कौन सा फिल्टर ज़्यादा अच्छा है, इसके लिए आपको इसके पार्ट को देखना होगा। तो चलिए हम दोनों बॉक्स को ओपन करते हैं और दोनों के बारे में डिटेल से बताते हैं। सबसे पहले हम सोगो का फिल्टर ओपन कर रहे हैं, उसके बाद में जीलोंग का फिल्टर निकालेंगे। देख सकते हैं गाइस, ये दोनों फिल्टर हमने निकाल लिया है। सोगो फिल्टर में आपको यहाँ पर पहले से रबड़ लगी हुई मिलेगी और जीलोंग में सिस्टम अलग है, इसको आपको अलग से लगाना पड़ेगा। इसको यहाँ पर आप लगा देंगे, इसको आपको यहाँ पर लगा देना है, कुछ नहीं चाहिए। तो भाई, जब दोनों के पहले हम फॉर्म के बारे में बात कर लें, दोनों का फॉर्म देख लेते हैं, किसका फॉर्म ज़्यादा अच्छा है। इसका भी फॉर्म हमने ओपन कर लिया है और इसका भी फॉर्म ओपन कर लिया है। इसको यहाँ से आप खोल लेंगे और आसानी से इसका फॉर्म निकाल लेंगे। उसके बाद में जीलोंग के फॉर्म ओपन कर लेंगे और देख लेंगे। दोनों के फॉर्म के बारे में बात कर लें तो दोनों का फॉर्म लगभग सेम है। सोगो का फॉर्म थोड़ा बड़ा है और जीलोंग का फॉर्म थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि बीच में गैप है जिसमें पानी आराम से ऊपर चढ़ता रहेगा और फॉर्म कभी बंद नहीं होगा। यदि इस फॉर्म में गंदगी लगातार भर जाएगी तो ये फॉर्म आपका बंद हो सकता है और ये फॉर्म बंद नहीं होगा। तो ये फॉर्म हम इसमें रख देते हैं। अब हम बात करेंगे दोनों फिल्टर के मोटर के बारे में। हम बात कर लें, जीलोंग का 18 वाट का फिल्टर है और सोगो का 15 वाट का फिल्टर है। सोगो जो है मैक्सिमम एक घंटे में 650 लीटर पानी ही क्लीन करेगा और जीलोंग एक घंटे में 850 लीटर पानी क्लीन करेगा, जो कि जीलोंग में ज़्यादा पानी क्लीन करने की या साफ करने की क्षमता ज़्यादा है और इसमें कम है। ये 3 वाट ज़्यादा है और ये 3 वाट कम है। उसके बाद में एसी 220 वोल्टेज इसमें भी चाहिए और 220 वोल्टेज इसमें भी चाहिए। 50SHZ इसमें भी है, 50Z इसमें भी है। एक्वेरियम इंटरनल फिल्टर है। अब ये तो हो गया मेन डिफरेंस। और एक ख़ास बात जीलोंग के फिल्टर में ये है कि ये नॉर्मल फिल्टर है, आप इसको टॉप फिल्टर में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से पाइप आप लगाएंगे तो पानी ऊपर की तरफ ले जाके आप गिरा सकते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे जो टॉप फिल्टर होते हैं उसमें ये होता है। तो इसको आपको नहीं यूज़ करना है तो आपको यहाँ पर ये मिलेगा, इसको आपको यहाँ से बंद कर देना। अगर आपको यूज़ करना है तो फिर लगा सकते हैं। तो आपको कौन सा फिल्टर ज़्यादा अच्छा लगा, आप कौन सा यूज़ करते हैं, हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोनों ही फिल्टर अच्छा है। सोगो पुरानी कंपनी है, जीलोंग नई कंपनी है। तो जीलोंग भी काफ़ी अच्छा फिल्टर चल रहा है इस समय मार्केट में। अगर दोनों की हम प्राइस की बात करें तो लगभग दोनों की प्राइस सेम है। हमारे पास जो प्राइस है वो 300 रुपये है, आप मार्केट में कहीं भी ले सकते हैं, तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। ऑनलाइन देखेंगे तो ऑनलाइन आपको काफ़ी महंगा मिल सकता है, तो आप किसी शॉप से लेंगे तो कम रेट में आपको मिल सकता है। अगर बात करें कि आप दोनों फिल्टर को कितने बड़े एक्वेरियम में यूज़ कर सकते हैं, तो 1 से 2 फीट एक्वेरियम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। 1 से 2 फीट एक्वेरियम के लिए आप इस फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो एक्वेरियम से जुड़ी जानकारी आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।